गई है हम लोग की चाय और सौविक जी भी आप पहुँचे हैं। हेलो सिंह साथ में और एक दोस्त भी आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली एंड स्ट्रांग सोल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं कुछ ही देर में निकलने वाली हूँ। आज मेरी जिंदगी का दूसरा फोटो शूट है। सो मैं पिछले फोटो शूट से भी ज्यादा आज नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि पिछली बार जो फोटो शूट था वो घर के पास था और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ था, लेकिन आज का जो फोटो शूट है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लोकेशन भी थोड़ा सा दूर है। मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे, और बाकी की डिटेल्स मैं आपको लोकेशन पे जाके अपडेट करूंगी। सो वीडियो एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा इस ब्लॉग के साथ। सो मैं लोकेशन ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। जितना मैं लोकेशन देख रही हूँ उतना मैं नर्वस हो जा रही हूँ। वंस द फोटोग्राफर विल बी हियर आई थिंक मेरी नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो मैं आपको भी लोकेशन दिखाती हूँ। सो ये है आज का मेरा लोकेशन। मेरे फोटोग्राफर जो हैं सौविक जी वो अभी तक आके पहुंचे नहीं है। सो जैसे ही वो आते ही मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इंट्रोड्यूस नहीं, इससे वो पहले भी मैं उनसे उनके साथ काम कर चुकी हूँ। सो इजंट इट प्रिटी सनराइज के साथ आज फोटोशूट होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। कोलकाता लुक सो ब्यूटिफुल व्हेन द सन राइजेस। मैं सोच रही हूँ जब तक सौविक जी नहीं आते कहीं चाय वाय पी लूं। और मुझे टिकट भी काटना पड़ेगा गार्डन में घुसने के लिए। मुझे लगेगा 40 रुपीज, 20 रुपीज ईच पर्सन। सो 2 पर्सन का 40 रुपीज लगने वाला है। आई डोंट हैव चेंज, तो मुझे कहीं पे चेंज नहीं मिल जाए। लेट्स सी। सो ये मिल गई है हम लोग की चाय और सौविक जी भी आप पहुंचे हैं। हेलो सौविक जी को आप इससे पहले मेरे पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं एंड ही इज टू अमेजिंग। साथ में और एक दोस्त भी आ चुका है। अभी हम लोगों की शूट आधी हो चुकी है, आधी बाकी है। लेट्स सी सौविक व्हाट ही हैज इन माइंड। आई रियली डोंट नो, व्हाट यू हैव इन माइंड, टेल मी। सी वी हैव बीन डूइंग दिस योगा एंड यस योगा एंड विक्टोरिया इन द बैकग्राउंड। सो आई गेस वी आर ओवर विद द योगा पोजेस, देन नाउ वी विल डू सम क्लोज अप पोर्ट्रेट शॉट्स विद यू। क्लोज अप पोर्ट्रेट शॉट्स विद सम डिफरेंट लोकेशंस। लेट्स सी ग्रेट लोकेशंस आउट हियर। लोकेशंस एकदम जब्बर। One eternity later. So, हम लोग की सारी शूट खत्म हो चुकी है एंड सौविक इज चेकिंग द पिक्चर्स ओवर हियर, यू कैन सी। सो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी खाने का उतना मिलता नहीं है, पापड़ी चाट झालमुड़ी छोड़ के। सो हम लोग पापड़ी चाट थोड़ा बहुत खाके देन वी विल रैप अप। सो ये आ गई हम लोग की पापड़ी चाट, लेट्स एंजॉय इट। सो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है। आज का शूट बहुत ही अच्छा रहा। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं आज का शूट कैसा होगा, लेकिन
टू बी ऑनेस्ट, आज का शूट पिछले शूट से भी बेहतर रहा. मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा. लोगों ने पूरा जो एरिया था, जो पार्क था, सब जगह हम लोगों ने एकदम यूटिलाइज किया. कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा कि जो हमने यूटिलाइज नहीं किया. शूटिंग के दौरान मैं फुटेज नहीं ले पाई क्योंकि वी वर सो मच इनटू बिजी इन शूटिंग कि मतलब मैं फुटेज नहीं ले पाई. सो आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर किस चीज का शूट था. सो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ कि जो मतलब शूट में हम लोगों का कौन सा कॉन्सेप्ट लेके शूट हुआ. हैव अ लुक. फोटोज को देख के अंदाजा ही लग गया होगा कि कॉन्सेप्ट मेनली कॉन्सेप्ट था योगा. योगा वो भी कोलकाता के एक विंटर मॉर्निंग में सनराइज के साथ यू नो योगा प्रैक्टिस करना. सो दैट वाज आवर कॉन्सेप्ट एंड इट रियली वेंट वेरी वेल. मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दिखाया आपको. फाइनल फोटोज मेरे इंस्टा हैंडल पे आएंगी. मेरे इंस्टा हैंडल पे आएंगी. जो फोटोग्राफर है सौविक जी, उनका भी एक इंस्टा हैंडल है द मिस्टिक शटर, जिसका डिटेल्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. तो कुछ दिन बाद ही वो फाइनल पिक्चर्स भी आने वाली है एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड. यूजुअली जब भी फिटनेस की बात आती है तो लोग फंकी कलर्स पहनना बहुत पसंद करते हैं, बट मैंने इस कॉन्सेप्ट में डेफिनेटली डार्क कलर्स इसलिए रखा बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक इट समथिंग डिफरेंट. आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी अ हिट जो जब फाइनल पिक्चर्स इंस्टा हैंडल्स वगैरह में आ जाएंगी. सौविक जी इज एन एक्सीलेंट फोटोग्राफर. अगर आप फोटो शूट करने का या फिर कुछ भी फोटो रिलेटेड अगर आप कुछ काम चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हिम. उनका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. आई होप मेरा ये छोटा सा पुद्दू सा फोटोशूट का वीडियो आपको अच्छा लगा. आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं और एक वीकली ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी ही आऊंगी. तब तक के लिए सेफ रहिएगा एंड बाय फॉर नाउ.